नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इसराइल हमले के बाद ईरान बदले की आग में इस वक्त उबल रहा है और दावा किया जा रहा है कि ईरान इसराइल पर ऐसे भयानक हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक ऐसा हमला नहीं हुआ है। ईरान कभी भी किसी वक्त इसराइल पर हमला बोल सकता है। इसराइल को करारा जवाब देने के लिए सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मीटिंग कर रहे हैं और दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार इसराइल पर हमला बेहद खतरनाक होने वाला है। इस बार ईरान पर जो प्लानिंग हो रही है वो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तरफ ले जाने वाली प्लानिंग है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ईरान इसराइल पर पलटवार का क्या प्लान बना रहा है। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इसराइल ने पहले ही ईरान को यह बता दिया कि वो अब हमला करेगा, इसके साथ धमकी भी दे डाली। ईरान इस हमले का जवाब देने की गलती नहीं करेगा। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो हमले का जवाब नहीं देगा, वरना अमेरिका इसराइल के बचाव के सामने आएगा। ईरान को दोनों तरफ से धमकाया जा रहा है। ईरान ने भी तेवर दिखा दिए हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति ने भी इसराइल को धमका दिया है। ईरान को इस बार सऊदी अरब का भी साथ मिला है जिसने ईरान पर हमले को कानून का उल्लंघन बताया है। इसराइल ने ईरान के मिसाइल अटैक का बदला ले लिया है और इस हमले के बाद भी इसराइल शांत बैठने वाला नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो इस बार डेडली प्लान बनाया है उससे ईरान पूरी तरीके से हिल जाएगा। आखिर क्या है नेतन्याहू का डेडली प्लान, आज आपके सामने डिकोड करूंगा। ईरान और इसराइल मिडिल ईस्ट के दो मुल्क युद्ध लड़ने के लिए कगार पर हैं और दोनों मुल्कों के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान तो इसराइल के निशाने पर है ही, इसके अलावा लेबनान और सीरिया ने भी उसके टारगेट पर है। इन तीनों मुल्कों में इसराइल जमकर तबाही मचा रहा है और बढ़ते तनाव के बीच यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश किसके साथ खड़े हैं और अगर आने वाले वक्त में आमने सामने की जंग हुई तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ने वाला है, किस देश की सेना में कितना दम है। या आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इसराइल ने किसी को नहीं बख्शा है। हमास से लेकर हूती हिजबुल्ला की कमर तोड़कर रख दी है। ईरान की ताकत पर जो जमकर प्रहार किया है। इसराइल ने अमेरिका को जो कुछ बताया उसके मुताबिक इसराइल ने ईरान को मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, पावर प्लांट को निशाना बनाया, ऑयल रिफाइनरी पर भी धावा बोल दिया। इसराइल ने कोई रियासत नहीं बरती ईरान को कमजोर बनाने में
और दावा यह किया जा रहा है कि सारे हमलों को अंजाम देने के बाद उसके सारे विमान सुरक्षित लौट आए। लेकिन अब बारी ईरान की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई बौखला गए हैं। 1 अक्टूबर को ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक करके धमकी दी थी, चौकन्ना कर दिया था। खमेनेई ने भी कह दिया था कि इसराइल मिसाइल हमलों का जवाब देने की गलती बिल्कुल ना करे। इसराइल ने हमला कर दिया और अब ईरान पलटवार कर सकता है, इसकी पूरी आशंका जताई जा रही है। ईरान ने इसका संकेत भी दे दिया है। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला खमेनेई ने इसराइल को धमकी दी है। खमेनेई ने आखिर क्या कुछ कहा है, इसराइल को कैसे धमकाया है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। खमेनेई ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर गलती कर दी है। इसराइली शासन ईरान के बारे में गलत अनुमान लगा रहा है, क्योंकि उसका अभी भी ईरान और ईरान के लोगों को जानना, उसकी शक्ति, उसका दृढ़ संकल्प को समझना बाकी। इसराइल को ईरानी राष्ट्रपति और उसके युवाओं की ताकत, इच्छा शक्ति और पहल को समझना जरूरी है। यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो ईरानी लोगों की शक्ति और इच्छा को इजरायली शासन तक कैसे पहुंचाएं और इसके देश में इस देश के हितों को पूरा करने पर कैसे कार्रवाई करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इससे पहले ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ को भी इजरायल धमका चुका है। मोहम्मद रेजा आरिफ ने सोशल मीडिया के जरिए इसराइल को धमकाया। मोहम्मद रेजा ने ईरान की ताकत हमारे दुश्मन को नीचा दिखाएगी और दुश्मन को कमजोर करेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल को करारा जवाब देने के लिए सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मीटिंग कर रहे हैं ईरानी सेना यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर्स तेरहान में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रपति रक्षा मंत्री आर्मी चीफ को ऑर्डर जारी कर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान इसराइल पर ऐसे घातक हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक हमला होगा। आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ। इसराइल का यह भी हमला ईरान के स्वाभिमान पर हमला है। अब ईरान के पास हमले के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसराइल के साथ ईरान की जंग अब एक नए मोड़ पर है। ईरान के एक एक करके सारे मोहरे पिटते जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान का मोहरा हमास पिट चुका है और कमजोर हो चुका है। ईरान का दूसरा मोहरा हिजबुल्ला पूरी तरीके से टूट चुका है। उसका मुखिया तक मारा जा चुका है। सीरिया से ईरान को खास मदद मिलती रही। ऐसे में ईरान के पास अब सीधे तौर पर जंग में उतरने के सिवा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था ईरान के लिए आखिरी रास्ते के तौर पर था। ईरान को सीधे इसराइल से लोहा लेना था और यह भी तय है कि ये लड़ाई अब और ज्यादा भड़केगी, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी है कि वो जवाबी वार करने की गलती ना करे। ऐसे हालात में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। अब एक भी हमला मिडिल ईस्ट में खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है जिससे पूरी दुनिया सहम सकती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस कुलकर्णी साहब को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए इस जंग को लेकर कुलकर्णी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। ने पहले हमला किया, उसके बाद फिर इसराइल ने हमला किया, पर वो 5 दिन के अंदर उनके जो S-300 एयर डिफेंस के थे उसको बर्बाद किया। इस बार इसराइल ने काफ़ी सोच समझ करके अमेरिका के आदेशों का पालन करते हुए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और ईरान
को जिस प्रकार से उन्होंने अब नुकसान पहुंचाया है, उम्मीद करते हैं कि ईरान अब रिटेलिएट ना करे। अगर ईरान भी रिटेलिएट करे, फिर इसराइल रिटेलिएट करे, तो फिर ये मुझे लगता है बस के बाहर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो यही एक वक्त है कि पूरा विश्व प्रेशर डाले, और इसराइल ने हमास का तकरीबन खात्मा जो है हम कह सकते हैं कर दिया है, हिजबुल्ला का खात्मा लीडरशिप के पैमाने में हिजबुल्ला बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हिजबुल्ला में काफ़ी कुछ रॉकेट्स हैं, और जिस प्रकार से सदन लेबनन में लड़ाई हो रही है इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, हूदीज को देखते हुए, जिस प्रकार से सीरिया, लेबनन, इराक, ये सब कुछ जो फ्रंट्स खुले हुए हैं इसराइल के बरकला, अगर उम्मीद हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विश्व जो है अब प्रेशर डाले और यह लड़ाई अब ख़त्म हो जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व को झेलने पड़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान इसराइल से हमले का बदला लेगा, ये 100% तय माना जा रहा है। इस बार ईरान पर सिर्फ इसराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी बदला लेगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को खत्म करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी को यह इनपुट मिला है, उसने खमेनेई और उसकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा किया है। आखिर क्या है वो ईरान का खतरनाक प्लान, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताना चाहता हूं। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इसराइल पर मिसाइलों से नहीं दावा बोलेगा, बल्कि इसराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने की तैयारी कर ली है, प्लान बनाया है। ईरान इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका यूरोप में इसराइल के दूतावास पर भी खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एक साथ इसराइल अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। ईरान के कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है, फिदायिन हमलावरों को काम पर लगा दिया गया है। इसराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंप दिया गया है, जबकि इसराइल के बाहर स्लीपर सेल को इसराइली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। राष्ट्र की आवाज के जरिए डिफेंस एक्सपर्ट शिवानी देशपांडे को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए शिवानी क्या कुछ कह रहे हैं। इसराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा, एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहेंगे, जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो, क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ लेबनान भी है, एक तरफ ईरान भी है, एक तरफ इसराइल भी है, तो हमास भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसराइल का दुश्मन नंबर 1 याहिया सिनवार खत्म हुआ। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला भी खत्म हो गया। हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया को तो ईरान की धरती पर मार गिराया। इन सभी ने इसराइल से दुश्मनी मोल ली, इसराइल पर हमले करवाए, इसराइल को नुकसान पहुंचाया था, इसराइल पर मिसाइलें बरसाने के लिए क्या होगा अंदाजा लगाइए। इसराइल की नीतियों को जानने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ही अब इसराइल के टॉप टारगेट हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला करके साबित कर दिया कि मजबूत एयर डिफेंस के बावजूद
इसराइल मिसाइलों को ईरान में घुसने से नहीं रोक सकता, और इसराइल के 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमला बोला था। इसराइल के करीब 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। इस हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया कि यह हमला सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसराइल ईरान पर फिर से हमले का प्लान बना रहा है। अब इसराइल को यह हमला कब होगा, कैसे होगा, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको फिर से बताना चाहता हूं। हालांकि जब जब भी हमला होता है लगातार हम आपको बताते रहते हैं, और इसीलिए चूंकि ये जंग कब पूरी दुनिया में तब्दील हो जाए इस पर सबकी नजर है। दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल अब खामनेई को सीधा हमला करेगा। हमला सुप्रीम लीडर के घर पर हो सकता है, मोसाद के एजेंट भी हमला कर सकते हैं, यह जानकारी मिल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह खामनेई के घर पर हमले की आशंका इसलिए ज्यादा गहरा रही है, पिछले कुछ दिनों पहले ही इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, और इस हमले की जिम्मेदारी भले ही हिजबुल्ला ने ना ली हो लेकिन इसराइल के इस हमले का जिम्मेदार ईरान को माना जा रहा है। इसराइल अपने दुश्मन से वैसा ही बदला लेता है जो जैसा उसे जख्म देता है, और यही वजह है कि इसराइल से हमले की चेतावनी धमकी मिलने के बाद भी खामनेई को बंकर में भेज दिया। नेतन्याहू ने एक साल पहले जो कहा था वही किया। मोसाद आईडीएफ ने गाजा से लेकर लेबनान और तिरहान में खतरनाक ऑपरेशन चलाया, ये सब जानते हैं, और इस ऑपरेशन में एक एक कर हमास और हिजबुल्ला के सभी बड़े नेता कमांडर को मार गिराया। इसराइल ने किस तरीके से एक एक कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन के जरिए देखिए, 2 जनवरी 2024 को हमास के सेना का कमांडर सोहेल अल अरोरी की मौत हो गई। इसके बाद 13 जुलाई 2024 को हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की मौत हो गई। इसके अलावा 30 जुलाई 2024 को नसरुल्लाह के करीबी हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की मौत हो गई। 31 जुलाई 2024 को हमास चीफ इस्माइल हानिया की भी मौत हो गई। 20 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह का खास सदस्य इब्राहिम अकील की मौत हो गई। 24 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह सेना का लीडर इब्राहिम कुबेसी की भी मौत हो गई। इसके अलावा 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। 27 सितंबर 2024 को नसरुल्लाह के साथ उसकी बेटी जैनब नसरुल्लाह की भी मौत हो गई। इसके अलावा 3 अक्टूबर 2024 को हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर कासिर की भी मौत हो गई। 4 अक्टूबर 2024 को नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन की मौत हो गई। 18 अक्टूबर 2024 को इजरायली फोर्स ने हमास चीफ याहिया सिनवार को भी मार गिराया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजरायल ने एक साल पहले कसम खाई थी, उस कसम को पूरा लगातार कर रहा है। इजरायल हमास हिजबुल्लाह के सभी बड़े कमांडर को ढेर कर चुका है, हमास हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से कमर तोड़ चुका है। अब इसराइल के निशाने पर ईरान है क्योंकि ईरान ही इन तमाम प्रॉक्सी संगठनों को मदद करता है। यही वजह है कि अब इसराइल से दो दो हाथ करने के लिए हुनकार भर चुका है। उधर ईरान भी पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान इसराइल में अब आमने सामने की जंग के हालात बने हुए हैं। कभी भी इन दोनों देशों में आमने सामने की जंग हो सकती है जिसके बाद मिडिल ईस्ट के में बारूदी घमासान शुरू हो जाएगा।
इसराइल और ईरान दोनों ही मिडिल ईस्ट के बेहद खास देश हैं। इसकी सैन्य ताकत की तुलना करने से पता चलता है कि दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार हैं। इसराइल हो या फिर ईरान, किसकी सेना में कितना दम है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताऊंगा कि रक्षा बजट के मामले में ईरान इसराइल से काफी पीछे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की तादाद में ईरान इसराइल से काफी ज्यादा आगे है। और ये जंग आगे चलकर ईरान बनाम इसराइल हुई तो कौन सा देश ताकतवर होगा, कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए समझ लीजिए। इसराइल के पास 173,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि ईरान के पास 575,000 सैनिक है। यानी सक्रिय सैनिकों के मामले में ईरान काफी आगे है। अगर रिजर्व सैनिकों की बात करूं तो इसराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। रिजर्व सैनिकों के मामले में इसराइल आगे है। इसराइल के पास 2200 टैंक मौजूद है, ईरान के पास 4,071 टैंक मौजूद है। लड़ाकू विमान की बात करूं तो इसराइल के पास 612 लड़ाकू विमान है, जबकि इसराइल के पास 551 लड़ाकू विमान है। इसराइल के पास 67 युद्धपोत हैं, ईरान के मामले में काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि ईरान के पास 101 युद्धपोत इस वक्त मौजूद है। फाइटर जेट में इसराइल काफी आगे है, इसराइल के पास 241 मौजूद है, ईरान के पास 146 फाइटर जेट मौजूद है। इसराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर है, ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इसराइल के पास 39 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है, जबकि ईरान के पास 23 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ईरान इसराइल दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी ताकत है। तकनीकी के मामले में इसराइल काफी ज्यादा आगे है। इसराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसी एयर डिफेंस सिस्टम है, और ईरान का सबसे बड़ा घमंड उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यानी दोनों देश किसी से कोई कम नहीं है। ऊपर से दोनों देशों के पीछे ताकतवर देशों का हाथ है। एक तरफ इसराइल के साथ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस है, चीन जैसे देश हैं। अगर ईरान और इसराइल में आमने सामने की जंग हुई तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देशों में तबाही पक्की है और यह जंग रुकने वाली नहीं है। आए दिन इस जंग में कोई ना कोई खुलासा होता रहता है, अपडेट होता रहता है। इसीलिए इस जंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और खासतौर से हिंदुस्तान भी इस जंग पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।